कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में शुक्रवार तड़के हैदराबाद जा रही स्लीपर बस में आग लगने से कम 7 लोगों की जलकर मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सभी मृतक हैदराबाद के रहने वाले थे। हादसे में करीब 12 यात्री झुलस गए, जिनकी कलबुर्गी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। कलबुर्गी की पुलिस अधीक्षक ईशा पंत ने कहा कि प्रारंभिक जाँच के अनुसार ये संदेह है कि 7 से 8 यात्री बस के अंदर फंस गए थे, जिस कारण उनकी जलकर मौत हो गई। उन्होंने कहा कि हालांकि इस स्तर पर त्रासदी में मौतों की सही संख्या बताना संभव नहीं है, मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। घटना बीदर श्रीरंगपटना हाईवे पर कलबुर्गी जिले के कमलापुर तालुक के बाहरी इलाके में सुबह करीब 6:30 बजे हुई। बस गोवा से हैदराबाद जा रही थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक लॉरी से टकराने के बाद बस में आग लग गई। हादसे के वक्त बस में 35 से ज़्यादा यात्री सवार थे। हादसे का शिकार निजी बस गोवा में ऑरेंज कंपनी की थी। टक्कर के बाद बस में आग लगने के कारण स्थानीय लोग उनके पास नहीं जा सके। उन्होंने पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आई है वह दिल को दहला देने वाली है। तस्वीरों को देखने से ही लग रहा है कि हादसा कितना भीषण था। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी की टक्कर बस से हुई उसमें भी आग लग गई। हालांकि गाड़ी में सवार लोगों के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल सकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस मृतकों की पहचान भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।